नमस्कार, टारगेट विद आलोक के 8 PM न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक मिश्र। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। OECD की नवीनतम रिपोर्ट में भारत काले धन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल। स्विट्जरलैंड ने भी काले धन पर बदली अपनी रणनीति। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के क्रायोस्टेट का आखिरी हिस्सा भी किया पूरा। धरती पर सूर्य से भी ज्यादा ऊर्जा पैदा करना है इसका मकसद। तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन यानी OECD ने अपने नवीनतम अध्ययन में कहा कि भारत स्विट्जरलैंड से अपने निवासियों के बैंक खातों और उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के लाभकारी स्वामित्व के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले शीर्ष 3 देशों में शामिल हो गया है। शेष 2 देशों में फ्रांस और जर्मनी का नाम आता है। OECD के इस अध्ययन का लक्ष्य टैक्स मामलों में सूचनाओं की पारदर्शिता और लेनदेन को प्रोत्साहन देना है। इस रिपोर्ट में विश्वभर में तमाम देशों द्वारा मांगी गई सूचनाओं और उसकी कार्यवाही पर अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि स्विट्जरलैंड ने भी कानूनी स्वामित्व की जानकारी देने, मृतक व्यक्तियों के सूचनाओं के आदान प्रदान और चुराए गए डेटा के संबंध में अनुरोधों पर कार्यवाही करने में खासा सुधार किया है। इसका तात्पर्य है कि स्विट्जरलैंड पहले की तुलना में दूसरे देशों के साथ अब अधिक गोपनीय जानकारियाँ साझा कर रहा है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में स्विस बैंक में जमा काले धन का मुद्दा राजनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। साथ ही स्विट्जरलैंड अपने वित्तीय संस्थानों को लेकर काफ़ी बदनाम रहा है। उस पर आरोप लगते आ रहे हैं कि वह दूसरे देशों के काले धन को अपने यहाँ बैंकों में छुपाता है, जो उसके आय का एक प्रमुख स्रोत है। अब स्विट्जरलैंड इस धारणा को खत्म करना चाहता है, इसलिए यह सारे खासकर भारत के साथ काले धन के संबंध में मांगी गई जानकारियों को साझा कर रहा है। यह दोनों देशों के हित में भी है। स्विट्जरलैंड ने बीते वर्ष में भारत से संबंधित 500 से अधिक काले धन से जुड़े मामलों में विस्तृत जानकारी साझा किया है। यह मामला धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं से भी संबंधित है। आपको बता दें कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अच्छे जीवन के लिए नीतियां बनाने का कार्य करती है। आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है। हाल ही में भारत ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु फ्यूजन प्रोजेक्ट के क्रायोस्टेट का आखिरी हिस्सा भी पूरा कर लिया। फ्रांस के कादारसे में तैयार किया जा रहा इस प्रोजेक्ट का मकसद धरती पर सूर्य से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करना है। आपको बता दें कि क्रायोस्टेट के एक हिस्से को भारत की एक निजी कंपनी L&T ने सूरत के हजीरा में बनाया है। दरअसल प्रोजेक्ट क्रायोस्टेट स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर वाला चैम्बर होता है। जब कोई रिएक्टर बेहद गर्मी पैदा करता है तो उसे ठंडा करने के लिए आवश्यक विशाल रेफ्रिजरेटर ही क्रायोस्टेट कहलाता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए तकरीबन 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा किया जाएगा। गौरतलब है कि थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल यानी ITER की यह मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस की परियोजना परमाणु विखंडन पर नहीं बल्कि सूर्य की ही तरह परमाणु संलयन के आधार पर काम करती है। ITER के एक प्रोजेक्ट में भारत सहित यूरोपीय देश, अमेरिका, जापान, चीन, फ्रांस और रूस जैसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। ITER प्रोजेक्ट का सदस्य होने के नाते भारत ने क्रायोस्टेट बनाने की जिम्मेदारी चीन से ले ली थी। बता दें कि इसके पहले जुलाई 2019 में भारत ने क्रायोस्टेट के निचले हिस्से को और मार्च 2020 में इसके ऊपरी सिलेंडर को भेजा था। इन सभी हिस्से को जोड़कर चैम्बर का आकार देने के लिए भारत ने फ्रांस के कादारसे में एक वर्कशॉप भी बनाया है। भले ही इस प्रोजेक्ट में भारत का हिस्सा 9% हो, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकार देश के पास सुरक्षित रहेगा। और अब अंत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नज़र डालते हैं, जिनका सीधा सरोकार आपकी परीक्षाओं से होगा। केंद्रीय दवा नियंत्रक एवं मानक संगठन यानी CDSCO ने देश के पहले COVID-19 टीके कोवैक्सीन को 29 जून को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। यह पहला भारतीय टीका होगा जिसे क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है। 3 चरणों में इसका परीक्षण पूरा किया जाएगा। फिलहाल इसे फेज 1 और फेज 2 ट्रायल की अनुमति मिली है। आपको बता दें कि इस टीके को ICMR की प्रयोगशाला में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और भारत बायोटेक ने तैयार किया है।
इस टीके से कोविड 19 से लड़ने की एक उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन इसे बाजार में आने में एक साल का वक्त लगेगा। आज यानी 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। समाज के प्रति डॉक्टरों के समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए कृतज्ञता और आभार व्यक्त करना ही इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि यह दिवस पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री और चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। इसे संयोग ही कहा जाएगा कि श्री विधान का जन्म और मृत्यु एक ही दिन हुआ था। श्री विधान को पश्चिम बंगाल का महान वास्तुकार भी माना जाता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर, विधाननगर, अशोकनगर, कल्याणी और हबरा जैसे 5 शहरों की स्थापना भी किया। इतना ही नहीं, वे ब्रह्म समाज के सदस्य भी थे और 1928 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के गठन और भारत की मेडिकल काउंसिल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। साल 1961 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया और उनकी स्मृति में डॉक्टर बीजी राय राष्ट्रीय पुरस्कार की भी स्थापना की गई। कोविड 19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के क्रम में IIT मद्रास ने प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस में विश्व की पहली डिग्री लॉन्च की है। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम की शुरुआत 30 जून 2020 को केंद्रीय संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से किया। दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से डेटा साइंस का काफ़ी महत्व है। आपको बता दें कि साल 2026 तक डेटा साइंस के क्षेत्र में 11.5 मिलियन नौकरियां पैदा होने की संभावना है। चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने 30 जून को सर्वसम्मति से हांगकांग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित किया है। अस्थायी समिति की 3 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन समिति के 162 सदस्यों ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। आपको बताते चलें कि उम्मीद जताई जा रही है कि इसे 1 जुलाई 2020 से लागू भी कर दिया जाएगा। साल 1997 में 1 जुलाई को ही ब्रिटिश शासन ने हांगकांग को चीन के एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में सौंपा था। ऐसे में हांगकांग 1997 से चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। हांगकांग के विदेश और रक्षा संबंधी मामले को चीन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। शेष कार्यवाही, विधायी और स्वतंत्र न्यायिक शक्ति इसकी अपनी है। आज यानी 1 जुलाई की तारीख को नेशनल चार्टर्ड दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिवस को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 1949 को ICI को संसद में पारित एक एक्ट के तहत स्थापित किया गया था। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देश की वित्तीय स्थिति को दिशा देते हैं। ICI 1994 में स्थापित हुआ देश का सबसे पुराना पेशेवर निकाय है। ICI के सदस्य अपने नाम के आगे CA का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 29 जून को उत्तर प्रदेश के रामपुर में बहुउद्देशीय सांस्कृतिक सद्भाव मंडप का शिलान्यास किया। इस संस्कृति सद्भावना मंडप में विभिन्न आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों, कोविड 19 महामारी में लोगों को राहत देने की व्यवस्था और खेलकूद जैसी गतिविधियों को क्रियान्वित किया जाएगा। 92 करोड़ रुपए की लागत वाला यह सांस्कृतिक मंडप प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत बनाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।